नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, ई स्मार्टर एवरीडे चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली कैरियर न्यूज के जरिए आपको डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एग्जाम अपडेट इत्यादि सभी कुछ आपको एक ही वीडियो में देखकर आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं। अच्छे से सजेशन दीजिएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेट मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। और इस चैनल पर दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि ऑथेंटिक एंड जेन्युइन निकली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। और अपने राज्य शहर में निकली गवर्नमेंट भर्ती की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री में यहाँ पर अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर 100 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों, 13 सितंबर 2021 इसका लास्ट डेट है। योग्यता दोस्तों 10वीं और ITI यहाँ पर मांगा गया है। और इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता। जो भी आपके 10th और ITI में मार्क्सशीट है, मार्क्स आए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। अभी तक आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया ये भर्ती। ये भी दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिस की निकाली गई है। इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाली है। 1110 यहाँ पर वैकेंसियों को निकाला गया है अभी तक दोस्तों। इसमें भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लेना है powergridindia.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। वहीं दोस्तों, लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2021 इसका लास्ट डेट रखा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इंडियन आर्मी से, तो यहाँ पर जो है यूपी के दोस्तों 12 जिलों में यहाँ पर सेना की जो रैलियाँ हैं उसको स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। दोस्तों हैं 12 जो यूपी के जो जिले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 यूपी के जिले हैं, इसके अंतर्गत जो आर्मी की रैली होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट तिथि दोस्तों जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी, तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके माध्यम से आपको जल्द ही यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया नया डेट वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, असम कॉन्स्टेबल की जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको SLPBAAssam.in पे जाके आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 15 जिलों में दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है और 1 सितंबर से इसका जो एग्ज़ाम है वो चालू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है कर्नाटका पुलिस से यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आई है, 387 यहाँ पर वैकेंसियों को निकाला गया है। 12वीं पास अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिरी डेट की बात करें तो 6 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर एज की बात करें तो 19 से 33 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों फीस की बात करें तो जनरल OBC को 400 रुपये देना है और SC ST को 200 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। 6 नंबर पर बात करें दोस्तों, MPPSC SSC प्रीमियम 2020 का यहाँ पर फाइनल आंसर की जो है वो आउट कर दिया गया है। अगर आपने MPPSC का एग्ज़ाम दिया है तो जल्दी से जाइए दोस्तों MPPSC.NIC.in पे, आप अपना फाइनल रिजल्ट जो है आंसर की को वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुल पद निकाले गए थे 235 निकाले गए थे और परीक्षा यहाँ पर 25 जुलाई को यहाँ पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब में ये वैकेंसी निकाली गई है। 35 पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट और भी यहाँ पर वेरियस पोस्ट को वैकेंसी को जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अंतिम डेट की, तो यहाँ पर 3 सितंबर 2021 तक आप इस फॉर्म के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ही आपको आवेदन करना होगा। योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों जितनी भी मैं वैकेंसियाँ यहाँ पर जो वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ उसकी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके यहाँ पर जो है इसकी नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड इंटर दाखिला के लिए दोस्तों यहाँ पर पहला चयन सूची जो है जारी कर दिया गया है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर अगर आवेदन किया है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर पहला जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें आपको कट ऑफ के बारे में अगर जानना है तो आप OFSSBihar.in पे जाके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिनका भी दोस्तों फर्स्ट नामांकन में यहाँ पर जिसका सिलेक्शन हो गया है उनको दोस्तों 24 अगस्त तक यहाँ पर नामांकन स्कूल में दाखिला या कॉलेज में दाखिला ले लेना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो एग्जाम है 29 अगस्त को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपने दोस्तों इसका फॉर्म भरा है तो जल्दी से जाइए, इसका एडमिट कार्ड यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यहाँ पर प्रिलिमिनरी 2020 का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है इसका रिलीज कर दिया गया है। अगर आपने उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर जो है 2020 का यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है तो उसका एडमिट कार्ड दोस्तों रिलीज कर दिया गया है, तो जल्दी जाइए अपना एडमिट
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो एग्जाम डेट है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको OPSC यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट सूद होगा। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।